आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अलविदा जुमे की नमाज पर लोगों का सहयोग मिला और लोगों ने अपने घरों में नमाज अदा की। अब सारा ध्यान ईद पर है। ईद को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। लोगों से सहयोग की पुलिस प्रशासन द्वारा अपील भी की गई है। अलविदा की नमाज में मुस्लिम समाज के लोगों ने सहयोग किया और लॉकडाउन के चलते अपने घरों पर जुमे की नमाज अदा की। अब पुलिस का सारा ध्यान ईद पर है। लॉकडाउन 4 में ईद है। ईद को लेकर भी खास इंतजाम पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। धर्मगुरुओं से बातचीत की गई है। इसके अलावा शरारती तत्वों पर भी नजर रखी जा रही है। लोगों से पुलिस प्रशासन ने अपील की है कि अपने घरों पर ही नमाज को अदा करें। समस्त धर्मगुरुओं से और जो जिम्मेदार लोग हैं उन सभी से वार्तालाप कर ली गई है। सभी ने आश्वासन दिया है और मेरे सभी थाना प्रभारी अलर्ट हैं और ईद के लिए जो है पुलिस बल जो है तैनात कर दिए गए हैं। एक्स्ट्रा पुलिस बल जो हमें मिले हैं PAC के तौर पर उसको भी डिप्लॉय कर दिया गया है। मैं समझता हूँ जैसा हमने अपील किया है लोगों से, जनपदवासियों से, वो सभी जो है सरकार की शासन की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करेंगे और नमाज जो है अपने घरों में रहकर पढ़ेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। कोरोना वायरस के दायरे को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन हर उस कदम को उठा रहा है जिससे कोरोना का खतरा आगे ना बढ़े। यही वजह है कि हर धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों पर पुलिस ने पैनी नजर रखी है। अब पुलिस ईद को लेकर तैयार है। जगह जगह बैठकें की गई जिसमें लोगों से सहयोग करने की अपील की गई है। अलविदा की नमाज संपन्न होने के बाद पुलिस का सारा ध्यान अब ईद पर है। पुलिस ने ईद को लेकर तमाम सारे इंतजाम कर लिए हैं क्योंकि ईद लॉकडाउन 4 में पड़ रही है। पुलिस कोई ऐसा रिस्क उठाना नहीं चाहती जिससे कोरोना वायरस अपना दायरा बढ़ा सके क्योंकि आगरा पहले से ही रेड जोन में है। यही वजह है कि पुलिस ने तमाम सारे इंतजाम कर लिए हैं। लोगों से अपील की है कि वो नमाज को मस्जिदों में नहीं बल्कि घरों में अदा करें क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज़ आगरा।